वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। आज सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री कोरोना की वजह से ठप पड़े इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के लिए क्या कदम उठाती हैं। लोगों को टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार की ओर से राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि सुधार पर विवाद के बीच सभी की नजरें इस बात पर भी हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे में किसानों के लिए क्या सौगात होगी। आइए जानते हैं महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों को वित्त मंत्री सीतारमण से क्या उम्मीद है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दूसरी बार देश का बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने को लेकर हमेशा पूरे देश में खासतौर पर मुंबई कर लोग जो है उनको बड़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। ऐसे में मुंबई कर क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हम आए हैं पीसे परिवार इनके घर पे, जहां आप देख सकते हैं कि आम सी फैमिली, ऐसी कई फैमिली आपको मुंबई में दिखाई देंगी, लेकिन आम महिलाएं और आम फैमिली क्या सोचती है बजट को लेकर, उनका क्या रहता है, क्योंकि इस साल कोरोना पैंडेमिक था, लोगों को बहुत उम्मीद है बजट से, और क्या सोचती है महिलाएं खासतौर पर जो किचन संभालती है, किचन का पूरा बजट उनको संभालना होता है। निर्मला सीतारमण खुद भी एक महिला है तो महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके किचन का बजट का ख्याल वो जरूर रखेंगी। दीदी एक बात बताइए कि अभी बजट पेश होने जा रहा है, इसमें आपको क्या उम्मीद है? अभी हमें तो यही उम्मीद है कि जो पैसों के बारे में जो थोड़ा खींचातानी हो रही है वो ना होए, क्योंकि बच्चे कमाते हैं लेकिन किसी को हमको आधी सैलरी मिल रही है, एक लड़का है तो उसकी नौकरी भी अभी नहीं है, तो ये सब बारे में हम लोगों को भी बड़ी दिक्कतें हो रही है। बाहर के खर्चे तो रुकते नहीं है तो वो हमें फुलफिल करने में बड़ी दिक्कतें हो रही है, तो इस बारे में अगर वो भी सारी आम आदमी लोगों का कुछ ख्याल करे और अच्छा सा बजट पेश करे तो हमें बहुत खुशी होगी। स्कूल की फीस एक्चुअली थोड़ा कम करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन ही घर पे सब कुछ मतलब पढ़ाई हो रहा है, टीचर्स भी ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस। बजट से परेशान न हो इसका ख्याल रखे, ताकि घरेलू चीजें जो जैसे दवाइयाँ है, अस्पताल का खर्चा है, बैंक के लोन है, उसका कुछ ईएमआई है, वो ईएमआई रीफिक्स होना चाहिए। किसानों को भी बजट से काफी उम्मीद है। यूपी के अलीगढ़ में किसानों ने सरकार से डीजल और खाद के रेट में कमी की मांग की है। सरकार को अगर कुछ करना है बजट में तो मेरी तो मेन मांग है कि डीजल और डीएपी खाद जो है उस पर विशेष ध्यान दे। पेट्रोल की एक समस्या, ये भी एक समस्या है किसान की, तो सरकार को उसमें बजट ऐसा रखना चाहिए किसानों के हित में जिससे किसानों को लाभ मिले। उम्मीद है कि कुछ हो जाए, यही उम्मीद कर सकता है किसान, तो उम्मीदों पे जी रहा है। कुछ सरकार की निगाह में आ जाए तो कुछ बजट में कुछ दे दे बढ़िया। मैं तो जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा डीजल से और बिजली से किसान पीड़ित है। 29 जनवरी को इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके के बाद घटना स्थल से जो चिट्ठी मिली थी उसके बारे में सुराग मिला है। ये चिट्ठी इजरायली राजदूत को लिखी गई और उसमें इजरायल के अस्तित्व को चुनौती देते हुए कहीं भी और किसी भी समय धमाका करने की बात कही गई। इस चिट्ठी में बदला लेने की बात भी कही गई है और इजरायल को और हमलों के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। नीतीश हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है इस चिट्ठी के बारे में? देखिए अर्पिता, न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, जो लेटर के कंटेंट है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, और उसमें ये इजरायली एम्बेसी को धमकाया गया, डॉक्टर रॉन मल्का जो इजरायल के एम्बेसडर हैं उनके नाम से ये चिट्ठी लिखी गई है, और उस चिट्ठी में साफ तौर से कहा गया है, जो उसके कंटेंट्स का पता चला है हमें, कि हम कभी भी अपने विल पर कहीं भी चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो हम आप पर हमला कर सकते हैं, तुम्हारे खाने से लेकर हर छोटी छोटी चीजों पर हमारी नजर है, और अपने बस अपने डेज काउंट कर लो, अपने बस क्षण को काउंट करते रहो, हम जहां चाहे हमला कर सकते हैं। तो जाहिर तौर से ये धमकी है, और ऐसे में एहतियातन हर जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जो इजरायली एम्बेसी है, ताकि किसी भी तरह के आगे होने वाले अगर कोई हमला होने की संभावना है तो उसको रोका जा सके। अर्पिता जी, उधर मध्य प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने की इस मुहिम के तहत इस बार छतरपुर प्रशासन ने मोर्चा संभाला।
और जिसने प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज किया उसके अवैध ठिकानों को गिरा दिया गया। एक इमारत तो इतनी मजबूत थी कि उसे गिराने के लिए खुदाई करने वाली मशीन को काफी मेहनत करनी पड़ी। आरोप है कि जमींदोज हुई इस इमारत को सरकारी जमीन पर बनवाया गया था, इसमें एक मैरिज हॉल भी था। पूरी मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, कमांड का जैसी सूचना मिली तहसीलदार को तो उन्होंने कार्रवाई की है। वहीं जमीन और इमारत पर हक जताने वाले निर्मल जैन ने आरोप लगाया कि उसे राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया। निर्मल जैन छतरपुर कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल हैं। पूरे दस्तावेज हमारे पास है, दिखाया आपने प्रशासन को? प्रशासन को दिखाया, हमने सबको दिया, लेकिन वो प्रशासन ले ही नहीं है। प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी इसकी निगरानी की गई। दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने आज कुछ किसान नेता पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए 9 किसान नेताओं को नोटिस भेजा था और इन सभी लोगों को शकरपुर के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच ये जानकारी आ रही है कि क्राइम ब्रांच को ईमेल के जरिए 100 से ज्यादा हिंसा के फुटेज आम जनता से मिले हैं। 29 जनवरी को दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के पास हुए बम ब्लास्ट में जांच एजेंसियों के हाथ अहम सुराख लगे हैं। सीसीटीवी में कैद दो संदिग्धों की फुटेज के अलावा जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से कई अहम सुराख मिले। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उन्हें इस धमाके में खतरनाक केमिकल PETN के इस्तेमाल के सुराख मिले। दिल्ली बम धमाका। धमाके में PETN का इस्तेमाल। तफ्तीश में मिले अहम सुराग। जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। भारतीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि 29 जनवरी के गुनहगारों की तलाश शिद्दत से जारी है, और ये तस्वीरें ये बताने के लिए भी काफी हैं कि बीटिंग द रिट्रीट के दौरान जिस किसी ने भी APJ अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के बाहर इस धमाके की साजिश रची, वो जल्द ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में होगा। लिहाजा भारतीय जांच एजेंसियों के अधिकारी हर उस जगह की बारीकी से तफ्तीश कर रहे हैं जहां से उन्हें इस धमाके से सुराग मिलने की उम्मीद है। DCP स्पेशल सेल प्रमोद कुशवा जो है एंटी टेरर यूनिट के, वो अपने जो अधिकारी हैं और यहाँ पे देखिए फॉरेंसिक टीम को लेकर यहाँ पर आए हैं। बकायदा ट्राइपॉड उनके पास है, ये एक्सपर्ट टीम है। देखिए ये मैक के भी DCP हैं। मैक वो होता है जिसमें कि IB और तमाम एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो मीटिंग में जाते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट वहाँ पर शेयर होते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो शेयर होती हैं। DCP प्रमोद कुशवा हैं और एंटी टेरर यूनिट के DCP यही मुखिया हैं इस पूरी जाँच के। इनके ऊपर जिम्मा है कि ये पता करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ये प्लानिंग से ये पूरा ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि स्पेशल सेल लगातार ये दावा कर रही है कि बकायदा रैकी करके यहाँ पर देखिए वो क्राइम सीन। प्रशांत मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वो क्राइम सीन है देखिए जहाँ पर प्रमोद कुशवा पहुंचे हैं। कल भी लगातार 3 घंटे प्रमोद कुशवा यहाँ पे मौजूद थे। ये स्पॉट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जिंदल हाउस है, जिंदल हाउस पे कैमरा नहीं काम कर रहा था, एक कैमरा जो है वो बिल्कुल था ही नहीं वहाँ पर। उसी जगह पर ब्लास्ट हुआ है, उसी जगह पर जो सस्पेक्ट थे वो आते हैं और उन्होंने यहाँ पर बम प्लांट किया। 31 जनवरी को APJ अब्दुल कलाम रोड पर लगा पहरा हटा दिया गया, लेकिन जांच एजेंसियों ने धमाके वाली जगह और हर उस जगह को सफेद टेंट से कवर कर दिया है जहां पर उसे इस धमाके की साजिश के अहम सबूत मिले। इस वक्त हम APJ अब्दुल कलाम रोड के उसी क्राइम स्पॉट पर खड़े हैं जहां पर ब्रीटिंग रिट्रीट के दिन बम ब्लास्ट हुआ था, जहां पर आप दिल्ली पुलिस के जवानों को देख रहे हैं, बैरिकेडिंग है। ये वो क्राइम स्पॉट है जिसको पुलिस ने सुरक्षित रखने के लिए, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो इसलिए यहाँ पर एक टेंट लगाकर इसको कवर कर दिया है। ये वाइट कलर के टेंट के ठीक पीछे यहाँ पर ये फुटपाथ है और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप बड़ा सा, इसके पास ही यहाँ पर ये जो बम है जिसे लो इंटेंसिटी का बम बताया जा रहा है, ये यहाँ पर असेंबल किया गया था।
न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी को इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके की छानबीन कर रही जांच एजेंसियों ने एक नक्शा तैयार किया है, जिसके जरिए वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे दहशतगर्द इस वारदात को अंजाम देकर मौकाए वारदात से फरार हो गए। इस नक्शे के मुताबिक एपीजे अब्दुल कलाम रोड के बाईं तरफ ब्राजील दूतावास के बाहर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों की जद में सड़क भी आती है, लेकिन इससे धमाके वाली जगह दिखाई नहीं देती। ब्राजील दूतावास से सटा है बंगला नंबर 6, इसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा तो लगा है, लेकिन उसकी हद में सिर्फ फुटपाथ ही नजर आता है। ये आप देख रहे हैं, ये 6 नंबर की जो बंगला है, यहीं पर ब्राजील एम्बेसी और यहाँ पर 3 कैमरे लगे हुए हैं। आप देख सकते होंगे कि पोल के ऊपर 3 कैमरे लगे हैं, उसमें जो एक कैमरा है जांच एजेंसियों ने जो नक्शा बनाया था उसमें ये पूरा रोड कवर कर रहा है वो कैमरा। ये मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, इस तरफ का ये पूरा रोड है एपीजे अब्दुल कलाम का। यहाँ पर ये पूरा जो एक कैमरा है पूरी रोड को कवर कर रहा है, लेकिन जो क्राइम सीन है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, वहाँ पर वो कैमरा की जद नहीं आती है। लेकिन जो 2 और कैमरे हैं वो भी इस पूरे फुटपाथ को कवर कर रहे हैं। और ये यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हैं शामियाना सा लगाया है पुलिस ने टेंट वाइट कलर का, ये भी क्राइम सीन है, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था तो जो बाल बेरिंग के जो वो छर्रे थे वो यहाँ तक आए थे और उससे जो 3 गाड़ियाँ हैं वो डैमेज हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम रोड की दाईं तरफ जिंदल हाउस है, जिसके गेट नंबर 5A पर एक सीसीटीवी कैमरा तो जरूर लगा है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं करता, यानी इस कैमरा से रिकॉर्डर अटैच नहीं है। इससे कुछ ही दूरी पर वो जगह है जहां धमाका हुआ। ये जिंदल हाउस है, ये पूरा जहां पर ये पूरी वारदात हुई ये जिंदल हाउस है और उसका 5A गेट है। ये देखिए यहां पे बकायदा लिखा हुआ है 5A गेट। यहां पर एक कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जाँच एजेंसियों का कहना है कि वो कैमरा लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई है, इसलिए उससे कोई मदद पुलिस को नहीं मिली है। उसमें तमाम घटना कैप्चर जरूर हुई होगी। देखिए वो आप देख सकते हैं पेड़ पर एक छोटा सा कैमरा नज़र आ रहा है, बिल्कुल वही कैमरा है, लेकिन वो तकनीकी रूप पर काम नहीं कर रहा है। हालांकि वो ऑन है, लेकिन उससे कोई मदद जांच एजेंसी को नहीं मिली है। धमाके वाली जगह से इसराइल दूतावास की दूरी करीब 100 मीटर है। इजरायली दूतावास के बाहर 3 कैमरे लगे हैं, इसके अलावा दूतावास के बाहर सड़क पर एक और कैमरा लगा है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों का कहना है कि हो सकता है कि धमाके के आरोपी इस कैमरे की जद में आए हों। आप इस पूरे रोड पर आगे बढ़ेंगे तो महज 100 मीटर की दूरी पर इजरायल एम्बेसी है, वहां पर उनके 4 हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें कैमरा आप देख सकते हैं सड़क पर लगा हुआ है। जांच एजेंसियों का कहना है कि उस कैमरे से भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो मिली हैं, लेकिन अब तक इजराइल एम्बेसी उस कैमरे की फुटेज को खुद ही जांच कर रही है। तो ये पूरा क्राइम सीन है और इसको रिक्रिएट भी किया गया है और अब लगातार तमाम एजेंसियां इस केस को खोलने में जुटी हुई हैं। दिल्ली बम धमाके की जांच कर रही जांच एजेंसियों से न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक धमाके में डायरेक्शनल IED का इस्तेमाल हुआ है। दहशतगर्दों ने धमाके का असर एक ही तरफ करने के लिए डायरेक्शनल IED का इस्तेमाल किया। इस IED धमाके में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल हुआ, इसे M9 बैटरी से जोड़ा गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस IED को बम एक्सपर्ट ने तैयार किया। धमाके में मिलिट्री ग्रेड हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों ने फुल प्रूफ IED सिस्टम तैयार करने की कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस की तमाम एजेंसीज, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच और साथ में जो मदद NIA कर रहे हैं, तो हम मिलकर इस केस को वर्कआउट करने में पूरी कोशिश की जा रही है। इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, IB की मदद ली जा रही है और लोकल इंक्वायरीज करके ये भी पता लगाया जा रहा है कि कौन आदमी, सस्पेक्टेड आदमी इसमें हो सकता है, कोई गाड़ी किस प्रकार की इन्वॉल्व हो सकती है, गाड़ी का नंबर, रंग या कोई मेक, ये पता लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी एक केस इनिशियल स्टेज पे है। मैं समझता हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट केस को सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारतीय जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से कई अहम सुराग मिले हैं।
मसलन बॉल बियरिंग, एक जली हुई पॉलिथीन और आधा जला एक गुलाबी दुपट्टा। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी बम को इसी दुपट्टे में लपेट कर लाए थे। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट पर 3 इंटरनेशनल फ्लाइट को रोका गया था। इन फ्लाइट्स की तलाशी के बाद इन्हें उड़ान भरने दी गई थी। 29 जनवरी को इटली में भी इजरायली दूतावास के बाहर एक बम मिला था। जांच एजेंसियों को आईईडी में PETN यानी पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट के इस्तेमाल का शक है। इसमें एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल जो हुआ है वो PETN है। PETN एक प्रकार से ऑर्डरलेस और कलरलेस एक एक्सप्लोसिव होता है, जिसको जिसका साइंटिफिक नेम है पेंटारी थीटोल टेट्रानाइट्रेट। ये बहुत ही एक खतरनाक किस्म का एक्सप्लोसिव है और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब ये ब्लास्ट करता है तो। बट इसकी इस केस में क्वांटिटी बड़ी अगर था, अगर ये बताते हैं कि साइंटिफिक हमारे FSL के जो एनालिसिस करने के बाद बताया कि हो सकता है ये हो, तो अगर ये था तो बड़ी कम मात्रा में था। दरअसल PETN को पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्लास्टिक बमों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा PETN को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए PETN आतंकवादियों का सबसे पसंदीदा केमिकल माना जाता है। इस केमिकल की खोज जर्मनी की सेना ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की थी और आज की तारीख में लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन बम धमाकों के लिए PETN का इस्तेमाल करते हैं। PETN विस्फोटक के जरिए बड़ी तबाही को अंजाम दिया जा सकता है। 29 जनवरी को हुए बम धमाके की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस वारदात की जिम्मेदारी जैश उल हिंद नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 30 जनवरी को एक पोस्टर जारी कर इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके की जिम्मेदारी ली। जांच एजेंसियों के मुताबिक जैश उल हिंद पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा कोई संगठन हो सकता है। फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियां इस मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों को भी बजट से काफी उम्मीद है। लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फंड की मांग की है। आइए जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। दीनदयाल जन आवास योजना में भी जो GST है वो काफी ज्यादा है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों को सस्ते घर प्रोवाइड कराने हैं। इससे ना बिल्डर की जेब में कुछ आ रहा है, सीधा सीधा इसका लाभ कस्टमर्स को मिलेगा, जो गरीब लोग हैं उनको घर मिल जाएगा। और दूसरा जो बजट से उम्मीद है वो बिल्डर के लिए अलग से फंड एलोकेट किया जाए, जो बैंक बिल्डर को दे पाए और लोगों को टाइम पे उन लोगों के फंसे हुए प्रोजेक्ट वो पूरे कर पाए। हरियाणा में आज भी इंटरनेट बंद रहेगा। हरियाणा में आज शाम 5 बजे तक कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। हरियाणा सरकार ने अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवा बंद की है। इस्तीफा देने की सुगबुगाहट के बीच शुभेंदु अधिकारी के भाई देवेंद्र अधिकारी 10 फरवरी को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। शुभेंदु हाल ही में TMC छोड़कर BJP में शामिल हुए हैं। भोपाल में महिलाएं, दुकानदार और छात्र बजट से क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आइए जानते हैं। सरकार को कुछ हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में आके इस तरह से बजट बनाना चाहिए, सबको राहत मिले। हम चाहते हैं कि मतलब रेट कम हो, थोड़ा टैक्सेशन में फायदा मिले पब्लिक को भी। क्योंकि सरकार से हम लोग काफ़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं। मोदी जी सरकार से हमने पहले भी निवेदन किया था कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको, एक्साइज ड्यूटी को कम करें, ताकि जो आज गोल्ड है उसको जनता तक पहुंचे। थोड़ा मेडिकल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और बाकी ये पेट्रोल वगैरह इनके दाम कम होने चाहिए और गोल्ड ये सब भी रेगुलेशन इन सब चीज़ों पर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से ठंड ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीनगर में तो 30 साल के इतिहास में जनवरी महीने में इतनी ठंड नहीं पड़ी जितनी इस साल लोगों ने एहसास की।
क्योंकि वहां का न्यूनतम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सर्दी का आलम यह रहा कि श्रीनगर की डल झील जम गई, उस पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। सामने आई एक तस्वीर में कुछ नाव वाले जमी हुई डल झील को तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। यही हाल शहर की दूसरी झीलों का भी रहा। उनमें एक झील के जमे हुए पानी पर कुछ बच्चे मस्ती करते दिखे। तकरीबन 30 सालों से आज मैंने पहली बार इतनी सर्दी देखी, 30 सालों के बाद आज ये सर्दी आई है। इतना ही नहीं, कुछ मैदानों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी, जबकि कुछ मकानों की छतों से पानी टपकने से पहले ही जम गया। हालात बिगड़े तो इसके असर को कम करने के लिए शहर के अलग अलग जगहों पर अलाव का इंतजाम भी किया गया। हालांकि जरूरी काम से कुछ लोग अपने घरों से बाहर भी निकले, लेकिन ठंड से बचने की पूरी व्यवस्था के साथ। इंदौर के लोगों को रेल बजट से बहुत उम्मीद है। लोगों ने इंदौर से मुंबई और दिल्ली के लिए ट्रेन बढ़ाने की मांग की, साथ ही किराया कम करने की भी मांग लोगों ने की। सरकार को रेलवे का किराया कम करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल काफ़ी ज़्यादा हैं, बस वाले मनमाना किराया ले रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि रेलवे का किराया कम करें। रेल ज़्यादा से ज़्यादा लोकल में और लंबी दूरी की सभी ट्रेनें जल्द से जल्द सभी चालू होना चाहिए। ट्रेनें सारी बंद है, तो ये सारी चीज़ें सरकार को सोचना चाहिए, गरीब आदमी कैसे मैनेज करेगा। यूपी के बिजनौर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां यात्रियों से भरी दो बसों के आमने सामने की टक्कर हो गई और बताया गया कि हाईवे पर यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ, जिसमें टक्कर के बाद एक बस में आग लग गई। लपटों में घिरी बस से धुएं का गुबार उठने लगा और वो चारों तरफ फैल गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के लोग भी बिना वक्त गंवाए घटना वाली जगह पहुंच गए और धधकती आग को बुझाने में जुट गए, जबकि कुछ लोग एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाते दिखे। इस हादसे ने वहां मौजूद लोगों को डर से भर दिया, हर तरफ सायरन की आवाज गूंजने लगी। बस के इंजन में लगी आग काफी भयानक थी, क्योंकि उस पर पानी की बौछार का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उसे बुझाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया। ये जो एक्सीडेंट है, मोटे तौर पर लगता है कि आमने सामने कोहरे की वजह से हुआ है। इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई।